नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो रेसिपी है वो मैंने ब्रेड के साथ बनाई है। होता क्या है ना कि कभी कभी ब्रेड हम लेके आते हैं तो ख़त्म नहीं हो पाता है एक बार में, तो फ्रिज में भी रख दीजिए तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो उसको कैसे यूज़ किया है मैंने, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 उबले हुए आलू को मैंने घिस के ले लिया है, और एक गाजर छोटा सा टुकड़ा था उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, एक छोटा टमाटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च और एक छोटा सा प्याज है, और अदरक को भी मैंने घिस के ले लिया है। अब यहाँ आलू में जो सारे वेजिटेबल जो कट करके रखे थे वो डाल देंगे, और साथ ही जो अदरक घिस के रखा है वो भी डाल देंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने लहसुन का फ्लेवर अच्छा लगता हो तो आप लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। इसमें मैंने नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। और थोड़ी सी ली है मैंने चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने चाट मसाला। तो सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। उसके बाद मैंने लिया है एक मिक्सर जार, और ये जो ब्रेड के आगे पीछे का जो पार्ट होता है ना वो कोई खाता नहीं है, तो उसका मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स तैयार कर लूँगी। तो हल्का सा बस एक दो बार मिक्सर चला देने से बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाता है। आप इसको चाहे तो स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने एक कटोरी में लिया है 2 चम्मच मैदा, और इसका ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं रखेंगे, पतला सा ही घोल इसका तैयार करेंगे। और फिर यहाँ पे लिया है मैंने 3 ब्रेड, और इस पे जो आलू का जो बनाया था मिक्सर वो इस पे डाल देंगे, और अच्छी तरह से इस पे फैला देंगे। वेजिटेबल आप अपने टेस्ट के हिसाब से और भी कुछ डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो। और देखिए मैंने तीनों पे ऐसे ही लगा दिया है, और फिर इसको ऐसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए सारे मैंने कट कर लिए। अब फिर यहाँ पे जो मैंने मैदे का घोल बनाया था उसमें इसको डिप करेंगे, और जो ब्रेड क्रम्स है ना उसमें इसको अच्छी तरह से कोट करते चले जाएंगे। इस तरह से बहुत आसानी से हो जाता है। अच्छा, आप ब्रेड क्रम्स की जगह पे ना कॉर्नफ्लेक्स को भी आप मिक्सर में दरदरा उसको पीस लीजिए, और उसके साथ भी इसको कोट करिएगा ना, तो वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी होगा, तो उसके साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो सारे मैंने ऐसे ही तैयार करके रख लिए। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पैन में चढ़ाया है तेल, और तेल हल्का गर्म हो, ज़्यादा गर्म में नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ब्रेड है तो बहुत जल्दी लाल हो जाएगा। तो थोड़ा सा मीडियम गर्म पे ही इसको तलेंगे। तो फिर सारे पीसेस में एक बार में जितना आ जाएगा उतना डाल दूँगी, और फिर इसको अलट पलट के सेक लेंगे। तो मैं अभी आप लोग से कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आती रहूँगी आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके। तो देखिए ये हो गया है, सीख गया है, बहुत जल्दी हो जाता है, ब्रेड को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे ही मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लूँगी। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और फिर आती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय।